किसान भाइयों, स्वराज 735 ट्रैक्टर्स किसान भाइयों के काफी समय से पॉपुलर और पसंदीदा ट्रैक्टर रहे हैं, क्योंकि यह ट्रैक्टर कम खर्च के साथ साथ कम डीजल खपत वाले हैं। इनमें आपको लंबे समय तक कोई भी दिक्कत नहीं होती। किसान भाइयों, स्वराज 735 ट्रैक्टर के तीन मॉडल उपलब्ध हैं, स्वराज 735 FE, स्वराज 735 XM और हाल ही में लॉन्च हुआ स्वराज 735 XT। तीनों ही ट्रैक्टर काफी शानदार है, लेकिन तीनों में आखिर फर्क क्या है और कौन सा ट्रैक्टर ज्यादा बेहतर है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे कि किस ट्रैक्टर का इंजन ज्यादा दमदार है। अगर हम बात करें 735 XM और 735 FE तो दोनों में आपको 35 से 40 हॉर्स पावर के इंजन देखने को मिल जाते हैं। अगर हम 735 XT की बात करें तो इसके अंदर आपको 40 हॉर्स पावर का इंजन मिलता है। तीनों ही ट्रैक्टर के इंजन काफी शानदार है। अगर हम बात करें सिलेंडर्स तो तीनों ही ट्रैक्टर आपको तीन सिलेंडर के लो मेंटेनेंस इंजन के साथ दिए जाते हैं। अगर हम इनके इंजन कैपेसिटी की बात करें तो 2734 सीसी का इंजन तीनों ही ट्रैक्टर में आपको मिल जाता है, जो कि शानदार है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें इनके बोर और स्ट्रोक की तो तीनों ही ट्रैक्टर 100 बोर और 110 के स्ट्रोक्स के साथ मिलते हैं। अगर हम बात करें इनके कूलिंग सिस्टम की तो तीनों ही ट्रैक्टर आपको कूल एंड कूल इंजन के साथ दिए जाते हैं, जो कि शानदार होते हैं और लंबे समय तक कूल एंड कूल इंजन गर्म नहीं होते। अगर हम बात करें इसके एयर फिल्टर की तो तीनों ही ट्रैक्टर आपको ऑयल बार टाइप के 3-स्टेज एयर फिल्टर के साथ मिलते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम यानी कि गियरबॉक्स, अगर हम बात करें तीनों ही ट्रैक्टर के गियरबॉक्स की तो आपको पार्शियली कॉन्स्टेंट वेज गियरबॉक्स तीनों ही ट्रैक्टर में मिल जाते हैं। अगर हम बात करें स्पीड्स की तो तीनों ही ट्रैक्टर 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स स्पीड के साथ आते हैं। आपको 735 XM और 735 FE में सेंटर शिफ्ट गियरबॉक्स दिया जाता है, जबकि 735 XT में साइड शिफ्ट ऑप्शन उपलब्ध है, जो कि ज्यादा बेहतर है। अगर हम बात करें इनके क्लच की तो तीनों ही ट्रैक्टर सिंगल क्लच और ड्यूल क्लच दोनों ही ऑप्शन में मिल जाते हैं। स्पीड, अगर हम बात करें आगे की स्पीड तो आपको स्वराज 735 XM और 735 FE 27.80 kmph की आगे की स्पीड दे देते हैं, लेकिन आपको स्वराज 735 XT में 28.50 kmph की आगे की स्पीड मिल जाती है, जो कि ज्यादा बेहतर है। अगर हम रिवर्स स्पीड की बात करें तो तीनों ही ट्रैक्टर आपको लगभग 11 kmph की स्पीड दे देते हैं। हाइड्रोलिक, किसान भाइयों, आपको स्वराज 735 XM और स्वराज 735 FE दोनों ट्रैक्टर्स में 1000 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी वाली हाइड्रोलिक मिल जाती है, लेकिन 735 XT में 1200 किलोग्राम की वजन उठाने की क्षमता वाली हाइड्रोलिक्स दी जाती है, जो कि ज्यादा बेहतर है। किसान भाइयों, आपको तीनों ही ट्रैक्टर्स में 3-पॉइंट लिंकेज सिस्टम और ADDC टाइप की हाइड्रोलिक्स मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है। ब्रेक्स एंड स्टेयरिंग, किसान भाइयों, खेती के काम करने के लिए अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम होना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए आपको तीनों ही ट्रैक्टर्स में ऑयल में डूबे हुए ब्रेक्स दिए जाते हैं। उसी के साथ लंबे समय तक आसानी से कार्य करने के लिए पावर स्टेयरिंग दी जाती है। उसी के साथ तीनों ट्रैक्टर में पावर स्टेयरिंग के साथ साथ मैनुअल स्टेयरिंग का भी ऑप्शन उपलब्ध है। टायर, किसान भाइयों, आपको तीनों ही ट्रैक्टर में आगे के टायर 6016 के और पिछले टायर 13-28 के दिए जाते हैं, जो कि शानदार है। पावर टेक ऑफ यानी कि PTO, किसान भाइयों, आपको स्वराज 735 XM में 1000 RPM वाली PTO के साथ साथ 540 RPM PTO भी मिल जाती है, यानी कि आप दोनों में से कोई भी एक PTO का ऑप्शन ले सकते हैं। उसी के साथ 735 में भी आपको 1000 RPM या फिर 540 RPM वाली PTO देखने को मिल जाती है, लेकिन स्वराज 735 XT में आपको मात्र 540 RPM PTO ही देखने को मिलती है, लेकिन इसके अंदर आपको इसके साथ साथ रिवर्स PTO के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि शानदार है। प्राइस यानी कि कीमत, किसान भाइयों, अगर हम बात करें इन तीनों ही ट्रैक्टर के कीमत की तो यह ट्रैक्टर लगभग तीनों ही ट्रैक्टर 5,50,000 से 6,00,000 के बीच में मिल जाते हैं, जो कि शानदार बात है। किसान भाइयों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो एक बार लाइक जरूर करें और हमारे चैनल के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।